गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, टैटिक से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा रीजनिंग का पीरियड। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, यदि प्रेज PRAISE, यदि प्रेज प्रशंसा जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, यदि प्रेज को लिखे हम क्या और डिस्पेयर को लिखा जाता है क्या? डिस्पेयर को एट द रेट ऑफ परसेंटेज का सिंबल मालूम है ना आपको? तो रिपेयर्स को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन देखिए आपके, एट द रेट ऑफ परसेंटेज हैश टू डॉलर एट द रेट ऑफ, या सेकेंड एट द रेट ऑफ परसेंटेज डॉलर हैश टू at the rate of, third option at the rate of percentage hash dollar two at the rate of, fourth at the rate of percentage dollar two hash at the rate of, ये आपके ऑप्शन है। आपको ये बताया गया है इस क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखें, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए कि ये जो हमें सिंबल्स दे रखे हैं किसके, अल्फाबेट सीरीज के, अल्फाबेट सीरीज के सिंबल हमें कैसे दिए कि पी को हैश दिया गया है। हैश फोन में यूज करते हैं ना, फोन में एक स्टार होता है और जीरो के बाद एक ऑप्शन आता है जिसको हैश बोला जाता है। तो इसमें पी को हैश शो किया गया है और R को एट द रेट ऑफ बताया गया, एट द रेट ऑफ gmail.com जो आप लिखते हो उसका सिंबल दिया गया R के लिए। वैसे ही A के लिए जो डॉलर का सिंबल होता है कंप्यूटर वगैरह पे, आप देखोगे S दबा के ऊपर से एक डंडा खींचा जाता है जिसको डॉलर का सिंबल बोला जाता है। ये प्रतीक किसका? A का। I का संख्या दे दी आपको 2, S का 7 और E का परसेंटेज, ठीक है। तो ये प्रेज में प्रेज को लिखा जाता है हैश एट द रेट ऑफ डॉलर टू 7%, ठीक है। वैसे ही रिस्पेयर को लिख रहे हम एट द रेट ऑफ परसेंट 7 और हैश टू एट द रेट ऑफ परसेंटेज। अभी हमें पूछ रहा है कि हम रिपेयर्स को कैसे लिखें, तो रिपेयर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आर ई पी ए आई आर एस, ये हमारा हो गया रिपेयर्स। रिपेयर्स को अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? रिपेयर्स मींस आर के लिए हमें सिंबल मिला कौन सा? एट द रेट ऑफ, ठीक है। ई के लिए हमें सिंबल मिला कौन सा? परसेंटेज का, ठीक है। और पी के लिए हमें सिंबल मिला किस चीज का? हैश का, इसका मिला हैश का। और ए के लिए हमें सिंबल मिला किस चीज का भी? डॉलर का, इसका डॉलर का एस बना के जो डंडा है वो डॉलर का
ए के लिए हमें सिंबल मिला, सॉरी ए का तो हो गया, आई के लिए, आई के लिए हमें मिला किसका, टू का। आर के लिए हमें सिंबल मिला किस चीज का, एट द रेट ऑफ। और लास्ट में एस के लिए सिंबल मिला हमें किसका, सेवन का। तो हमारे जो रिपीट्स का आंसर बनता है वो क्या बनता है, एट द रेट ऑफ परसेंटेज हैश डॉलर टू एट द रेट ऑफ सेवन। इसका मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे ऑप्शंस में से, एट द रेट ऑफ परसेंटेज हैश ये नहीं बनता है, ये वाला आपका आंसर नहीं बनता है। सेकंड वाले को अगर आप कंपेयर करें, एट द रेट ऑफ परसेंटेज डॉलर ये भी नहीं बनता है। थर्ड वाले ऑप्शन को अगर आप देखें, एट द रेट ऑफ परसेंटेज हैश डॉलर टू टू और एट द रेट ऑफ सेवन। रिपेयर्स का पूछा था, रिपेयर का ये, सॉरी किसका ये, रिपेयर्स नहीं, रिपेयर का है, रिपेयर का है, रिपेयर्स का नहीं, रिपेयर है ये यहाँ पे, आर ई पी ए आई आर। तो रिपेयर को कैसे लिखा आपने, एट द रेट ऑफ परसेंटेज हैश डॉलर टू एट द रेट ऑफ। तो आपका देखिए, एट द रेट ऑफ परसेंटेज हैश डॉलर टू एट द रेट ऑफ मीन्स आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। फिर से कंपेयर कीजिए, एट द रेट ऑफ परसेंटेज डॉलर हैश डॉलर टू और एट द रेट ऑफ मीन्स आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि सीट को, किसको, एस ई ए टी, यदि हम सीट को लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, सीट को 59 परसेंटेज ट्रायंगल। यदि हम सीट को लिखें 59 परसेंटेज ट्रायंगल, सीट को लिखा जाए 59 परसेंटेज ट्रायंगल, तो और इसके साथ हम फायर को भी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, फायर को, एफ आई आर ई, फायर को लिख रहे हैं हम, कैसे कि भाई एफ आई आर ई, फायर को हमने लिख दिया क्या, फोर डॉलर हैश और नाइन, फोर डॉलर हैश और नाइन। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम इसको लेके चले तो फियर को क्या लिखेंगे, इसको फियर को क्या लिखा जाएगा, आपके ऑप्शन और बता दूं मैं आपको। ऑप्शन देखिए, पहले वाला 4 परसेंटेज हैश 9, सेकंड 49 परसेंटेज हैश, थर्ड 4 परसेंटेज 9 हैश और फोर्थ 45 परसेंटेज हैश। अब हम इसको सॉल्व करेंगे किसको भी, फियर को, किसको, फियर को। तो फियर के जो अल्फाबेट्स हैं उनको देखिए आप, एफ ई ए आर, एफ ई ए आर, इनके सिंबल को जस्टिफाई कीजिए, जो हमें सांकेतिक चिन्ह दे रखे हैं इन सिंबल्स के। देखिए एफ का कौन सा है, एफ का सिंबल हमें क्या दे रखा है, फोर, ठीक है, और E का क्या दे रखा है, 9, A का सिंबल क्या दे रखा है हमें, परसेंटेज, और R का क्या दे रखा है, हैश। इसको अडॉप्ट कर लो, कैसे, F का आपने अडॉप्ट किया तो सिंबल बना आपका 4, कितना, 4 वाला, 4 सिंबल आपका बन गया इसमें, ठीक है, 4 सिंबल बना। E का आपने देखा तो आपका सिंबल बनता है 9, क्या, 9, ए का परसेंटेज का, ठीक है, और आर का हैश का, आर का किसका, हैश का। तो आपकी फाइनल जो सिंबल लिस्ट तैयार होगी वो क्या होगी, 4
9% हैश, 49% हैश। अब आपके आंसर को आप जो आंसर लिस्ट दे रखी है उससे कंपेयर कीजिए कि कौन से वाला ऑप्शन आपका सही है। पहले वाला 4% 9 ये नहीं है आपका, ठीक है। सेकंड 49% हैश, ये आपका सही आंसर बन जाता है, जिनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये आपको थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है लेकिन मेंटेबिलिटी में आपकी जो बौद्धिक परीक्षण होता है, जांच की जाती है, उसमें इस तरह के प्रश्न जो है रीजनिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। यदि ब्रेन को लिखे हम, यदि ब्रेन को लिखे BRAIN, आपको मालूम है दिमाग, ब्रेन को लिखे ट्रायंगल परसेंटेज डिवाइड हैश और मल्टीप्लाई, ठीक है, और टायर को लिखे थके हुए को TIER, टायर को अगर हम लिखते हैं क्या डॉलर हैश प्लस और परसेंटेज, तो इसके अकॉर्डिंग हम चले तो रेंट को क्या लिखा जाएगा RENT। ऑप्शन देखिए आपके, परसेंटेज प्लस इनटू डॉलर, सेकंड प्लस इनटू परसेंटेज डॉलर, थर्ड परसेंटेज हैश इनटू डॉलर, ठीक है, और फोर्थ परसेंटेज इनटू हैश डॉलर। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर हमारे आंसर्स को हम कंपेयर करेंगे कि भी हमें दिया है RENT, तो अगर हम अपने सिंबल्स को अल्फाबेटिक सीरीज में समझें तो R जो है वो हमें परसेंटेज का सिंबल करता है, ठीक है। E को अगर हम देखें तो E हमें प्रदर्शित कर रहा है प्लस के निशान को, N को अगर हम सिंबलाइज करें तो N हमें दिखाता है मल्टीप्लीकेशन को, और R को अगर हम देखें तो R जो है वो प्रतीक है किस चीज का, परसेंटेज का, इसका है परसेंटेज का। फिर से देखिए RENT था आपका, तो R में आपका बना परसेंटेज का, E का आपका सिंबल था किस चीज का प्लस का, N का सिंबल है आपका किस चीज का मल्टीप्लाई का, और टी का जो आपका सिंबल है वो है डॉलर का, सॉरी टी का जो है वो सिंबल है किस चीज का डॉलर का, टी का जो है वो सिंबल था किसका आपका डॉलर का, जिसके कारण आपकी सिंबल की सीरीज बनती है परसेंटेज प्लस मल्टीप्लाई और डॉलर, परसेंटेज प्लस मल्टीप्लाई डॉलर। अब हम इसको अपने आंसर्स में कंपेयर करें तो परसेंटेज, ठीक है जी, प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई और डॉलर, जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। इस तरह से आप अल्फाबेटिक और सिंबल की सीरीज की रीजनिंग को आसानी से जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली कक्षा में जिसमें हम और नए प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चंस लेके आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके के मैथ की रीजनिंग भी आप सॉल्व कर रहे हैं, इंग्लिश की भी कर रहे हैं, सिंबल्स की भी कर रहे हैं, कोडिंग की भी आप सॉल्व कर रहे हैं, आगे आगे आपके सामने हिंदी इत्यादि की रीजनिंग्स वगैरह के क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ध्यान से इन वीडियोज को देखें, इनको ध्यान से समझें, यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगती है तो आप मेरे सामने उसको उजागर करें, और अगर आपको पढ़ाए वो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।